अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर इस्लाम, एक्स पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियन। तो दोस्तों, आज मैं राइट साइड का नेक्स्ट फुटवर्क लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम राइट साइड का बैक साइड का फुटवर्क करेंगे। लास्ट हम 5 फुटवर्क कर चुके हैं, 2 नेट के, 2 साइडों के और 1 लेफ्ट साइड का बैक साइड का। तो हम आज 6ठा बेसिक फुटवर्क करेंगे। इसमें 2 तरह के फुटवर्क होंगे, मैं दोनों फुटवर्क इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम फुटवर्क स्टार्ट करते हैं राइट साइड का। पहले नेट पोस्चर के कैसे खड़े होना है, फिर सेम वही जो हम 5 फुटवर्क में करते हैं कि पहला स्टेप हमने उस तरफ निकालना है जिस तरफ हमने जाना है। हमने 5 फुटवर्क में लेफ्ट पाँव पहले निकाला है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, पांचों में हमने लेफ्ट पाँव निकाला है। ये राइट साइड के फुटवर्क में हमने राइट पाँव पहले निकालना है। 1 बॉडी टर्न, ऐसे नहीं लेके जाना, बॉडी सीधी नहीं रखनी। बार बार आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने टर्निंग ली, जितनी आपकी कोर में टर्निंग होगी उतनी ही आप अच्छा फुटवर्क कर सकेंगे, उतना सामने वाला प्लेयर डिसीव होगा, इस चीज का ख्याल रखें। फर्स्ट बहुत सिंपल स्टेप, अभी 2 स्टेप हम करेंगे, 1, 2। ये जो सेकंड जंप है ये आपने अपनी शटल के हिसाब से लेना है, क्योंकि 2 स्टेप जो है वो आपकी शटल के हिसाब से कवर नहीं होंगे, लेकिन ये जो जंप सेंटर वाला ये आपकी शटल के, अगर लूज है तो छोटा जंप लेंगे, अगर शटल पीछे है तो बड़ा स्टेप लेंगे। मकसद ये जो सेंटर वाला पोर्शन है जंप, ये हमने शटल कॉक की स्पीड की और शटल कॉक की दूरी के हिसाब से जंप छोटा बड़ा करना है। तो अभी मैं नॉर्मल ही लूंगा, 1, 2। अब यहां पे वो फुटवर्क जो हमने लेफ्ट साइड पे फुटवर्क किया था कि ये टर्निंग करके ये स्मैश मार के या स्ट्रोक मार के वापिस आ जाना, फिर देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो सिंपल सिर्फ पहले स्टेप का फर्क है, बाकी सारा फुटवर्क जो हम लेफ्ट साइड पे करते वो ही है, सिर्फ पहले स्टेप का फर्क है। उसमें हम ये करते हैं यहाँ के बाद फुटवर्क जो राइट पे है वही इधर, जैसे हम ये करके ये करना है, बस इतना फुटवर्क का फर्क है, बाकी सारा सेम फुटवर्क है। तो सेकंड फुटवर्क राइट का ही जो पूरी गेम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो, 1, 2, 3, बॉडी सीधी लेके आनी और ये स्ट्रोक 4 and 1। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रिप ऐसे पकड़नी, अगर ऐसे टेढ़ी पकड़ी होगी तो हम ऐसे मारना मुश्किल है, मारेंगे सीधी टाइट ग्रिप होल्ड करें और ये स्ट्रोक। अब इसको जरा मैं फ्लो में करता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2। ये भी 2 स्टेप में वापस आना है, 1, 2, 3। क्लियर, ये फुटवर्क 80% 70% कोर्ट में यही यूज होता है। और एक तो हमारे लिए ये इजी है करना, इसमें स्टेमिना कम यूज होता है, सेकंड टर्निंग का टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हम ये फुटवर्क ही यूज करते हैं बगैर टर्निंग के, राइट साइड पे जाना और इसी तरह वापस आ जाना, ये फुटवर्क राइट का जो हम कोर में यूज करते हैं। इसमें भी जो राइट पाँव है लास्ट पे जो गिरना है वो बॉडी से पीछे गिरेगा, अगर हम बॉडी के ऊपर गिराएंगे तो हमारा वापसी मुश्किल हो जाएगी, हम ऐसे गिराएंगे, इस चीज का भी ख्याल करें। ये अगर पाँव ऐसे होगा तो बहुत अच्छा है, आपके मुड़ने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जंप लिया होता है, अगर हम ऐसे गिरते हैं तो ये हमारे पाँव ट्विस्ट होने का या मुड़ने का या इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत आसान सा फुटवर्क है लेकिन 2 हैं, इसलिए मैं इसको जरा आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। इस जो बैक कोर्ट की टर्निंग है जहाँ पे हमने स्ट्रोक मारते हैं,
उसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रेनिंग बताने लगा हूँ, उसको आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना आप ये फुटवर्क ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको फुटवर्क वो ट्रेनिंग बताता हूँ। तो वो ट्रेनिंग ये है जो हमने साइड फुटवर्क के लिए बैक स्ट्रोक पे करनी है। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। पहला राइट आगे लेके जाना है, लेफ्ट उसके साथ लेके आना है, राइट पीछे लेके जाना है, लेफ्ट उसके यानी कि राइट को लेफ्ट फॉलो करेगा। जिधर जिधर राइट जाएगा उधर उधर लेफ्ट जाएगा। इसको आप थोड़ा सा तेज करें। ये आप जब थोड़ा सा तेज करने लग गए लाइक दिस तरह, तो फिर उसमें टर्निंग लानी है। टर्निंग कैसे, अब वो मैं सीधे से आपको बताता हूं। ये टर्न ऐसे, ये बैक लेफ्ट वाला पाऊं वो भी ऐसे, यानी कि एक तरफ इधर मुंह करना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, इस तरह थोड़ा बेंड। और ये पाऊं जैसे मैंने आपको कहा कर राइट को लेफ्ट फॉलो करेगा, ये लेफ्ट पाऊं इस तरफ आ गया और राइट पाऊं अब हमारा फ्लो इस तरफ हो गया। थोड़ी सी टर्निंग, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बार बार आपको कह रहा हूं कि फुल क्रॉस नहीं करना सेंटर में, ना बिल्कुल सीधा ना फुल क्रॉस, सेंटर में। यहां से आपने फिर इसको ऐसे लेके जाना, पाऊ देख लें ये पाऊ वैसा के वैसे ही है, और इसे हमने ये लेके आना। अभी ये पाऊ मैं आपको दिखाने के लिए नीचे स्लिप कर रहा हूं, जबकि आप अगर जंपिंग कंडीशन में होंगे तो ये स्लिप नहीं होंगे। जब मैं थोड़ा सा तेज करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए बहुत स्लो स्पीड में कर रहा हूं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब इसमें मैं स्मैश वाली सिचुएशन बनाता हूं। ये अब साइड से देखें, राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब इसी में स्मैश कर रहा हूं, ये अब दोस्तों लास्ट बात ये बैक फुटवर्क के हवाले से आपको बताने लगा हूं। लास्ट बात कि आपने ये जो लेफ्ट पाऊ जहां पे हमने स्ट्रोक मारना है, यानी कि ये जब गिरना है ये पाऊ टर्न करके रखना है, लाइक इस तरह नहीं रखना। अगर इस तरह रखेंगे तो ये मसल हमें पीछे लेके जाएंगे, हमें मजबूर करेंगे कि हम पीछे को गिरें। सेकंड, इस तरह हमारे ये टेंडन टूटने के रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस तरह एक तो हम आगे को गिर सकते हैं, जबकि हम इस तरह होंगे तो हम जब जंप लेंगे तो ये इस तरह गिरेगा, ये हमें फोर्स करेगा कि हम पीछे को गिरें। जबकि हम ऐसे गिरेंगे एक तो इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए, सेकंड हम घुटने को सीधा कर सकते हैं और जितना मर्जी आगे को मोड़ सकते हैं, टांग सीधी भी रख सकते हैं। ये आप चीज देख ले, ये स्मैश, ये अब मैं थोड़ा सा तेज करता हूं। आई थिंक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इस चीज को, इस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा करें। ये जितनी अच्छी ये आपकी टर्निंग और इतनी अच्छी ये फ्लो में होगी, समझे कि आपका बैक का फुटवर्क उतना ही अच्छा होगा। और जितना अच्छा बैक का फुटवर्क होगा उतनी जल्दी उतनी तेजी से आप नेट की तरफ रश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फुटवर्क हमारे 6 के 6 कंप्लीट हो गए, बेसिक फुटवर्क ये 6 के 6 हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उसमें मैं आपको इससे रेलिवेंट डिफरेंट फुटवर्क और बताऊंगा जो हमारी गेम में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और ज़्यादातर लोग उस पर मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, जिसकी वजह से वो थोड़े से गेम में इम्बैलेंस रहते हैं, उनकी स्पीड स्लो रहती है, वो उठा लेते हैं शटल कॉक को सेम वही फुटवर्क पे लेकिन स्लो हो जाते हैं। तो अगर हम उस पर मेहनत की होगी, उसका प्रॉपर फुटवर्क लगाया होगा तो हम स्लो नहीं होंगे, हमारी बॉडी
हमारा जहन उसमें ऑलरेडी परफेक्ट होगा तो हमारी स्पीड तेज रहेगी। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जितने भी फुटवर्क की वीडियोस बनाई हैं तो प्लीज़ आप अपने वीडियोस फुटवर्क की बना के मुझे भेजें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप वीडियोस भेजें, मैं आपके वीडियोस लोगों के साथ शेयर करूंगा, लोगों से कमेंट्स पूछूंगा कि किसका फुटवर्क कैसा है, फिर उस पर मैं अपनी राय भी दूंगा। तो इंशाल्लाह जिसका फुटवर्क बहुत अच्छा होगा उसको मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और जो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा या इसमें क्या गलती है। मैं खुले दिल से उसको कबूल करूंगा अगर मुझे वो वाकई फील हुआ कि वो गलती है, और मैं दोस्तों से लोगों से शेयर भी करूंगा। शुक्रिया।